أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تر سے اللہ صلی علی محمد علی محمد. برادران عزیز، رب کریم اس مدرسہ عزا کو قیام قیامت تک اور فروغ عطا فرمائے کہ اس کے زیر سایہ ایسی ذہانتیں پروان چڑھتی ہیں اور ایسا ذوق بالیدہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعض مقامات کی ہم بس تلاوت کرتے ہیں اور آپ کے اندر وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن میں کیفیتیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے قلوب، آپ کے اذہان، آپ کے ضمائر کیسی وجدانی کیفیت سے محظوظ ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نمل میں ارشاد فرمایا گیا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کون ہے کہ جب کوئی مضطر دعا کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، تو وہ اس کے ہم و غم کو دور کر دیتا ہے. اس پر آئی ہوئی بلا کو دور کر دیتا ہے. قرآن مجید کا یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، میں نے پوری آیت بھی تلاوت نہیں کی ہے بلکہ آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس فقرے پر اگر آپ غور فرمائیں تو ایک طرف یہ انسان کی فلسفیانہ فکر کو مہمیز کرتا ہے اور ایک طرف انسان کے جذبات کو بھی للکارتا ہے. اس فقرے کی روشنی میں موضوع دعا کا یا حقیقت دعا کا فلسفیانہ تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ادبی تجزیہ بھی. دیکھیے، شعراء اور ادبا بھی تشریف فرمائیں، اور ایسے شعراء اور ادبا تشریف فرمائیں کہ جنہوں نے شعر و ادب کی تدریس میں اپنی زندگی صرف کی ہے. ادب اور فلسفے کی سرحدیں ایک مقام پر جا کر مل جاتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بنیادی طور پر دونوں
चीज़ों का दायरा अलग अलग है। फलसफा हकीकत रसी, हकीकत शनासी और हकीकत जोही का नाम है। फलसफा हकीकत वजूद से बहस करता है, फलसफा हकीकत इल्म से बहस करता है। फलसफा बहस करता है कि कोई चीज़ क्यों वजूद रखती है, और अदब को हकीकत वजूद और हकीकत इल्म से बराह रास्त कोई राबता नहीं है। अदब जज्बात इंसानी की बेहतरीन तर्जुमानी का नाम है। बुनियादी तौर पर अदब की डिफिनेशन या अदब की तारीफ यह है कि जबान के बेहतरीन इस्तेमाल का नाम है अदब। सरमाया जबान, इसके बेहतरीन इस्तेमाल का नाम है अदब। जो जितना जानदार अदीब होगा वो लुगत के दामन में मौजूद बेजान अल्फाज को उतनी ही जानदार इबारत में तब्दील कर देगा। अब जो लोग लिसानियात का ज़ौक़ रखते हैं और अदबी ज़ौक़ रखते हैं, मैं उनके लिए एक जुमला और नज़र कर दूं कि जिसे आप लुगत कहते हैं डिक्शनरी, ये डिक्शनरी तो अल्फाज के मकबरे का नाम है। डिक्शनरी में बेजान अल्फाज पाए जाते हैं, तो डिक्शनरी या किताब लुगत ये मुर्दा अल्फाज के मकबरे का नाम है। ये जिंदगी जो अल्फाज में डालता है वो एक जिंदा शायर, जिंदा अदीब, जिंदा खतीब होता है कि जो उन मुर्दा अल्फाज को लुगात से निकाल कर जिंदगी अदा करके जिंदगी की तर्जुमानी का लायक बना देता है। तो अल्फाज के या जबान के बेहतरीन इस्तेमाल का नाम है अदब, और इसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ हरकत व हरारत पैदा करती है वो है जज्बात इंसानी। शायरी और अदब में इसीलिए तनकीदी मकालात को अदब का हिस्सा करार दिया जाए या न दिया जाए ये बहस की जा सकती है। तहकीकी मकालात को अदब का हिस्सा बनाया जाए या न बनाया जाए ये तहकीक हो सकती है, लेकिन अगर तख्लीकी सतह पर जज्बात की तर्जुमानी की गई है तो वो बहरहाल अदब का हिस्सा रहेगा। तो अदब बुनियादी तौर पर जज्बात इंसानी की तर्जुमानी का नाम है, और फलसफा बुनियादी तौर पर अकली मबाहिस की तर्जुमानी का नाम है। फलसफे का सरोकार हकीकत मुतलका से है। कोई भी बहस उस वक्त तक फलसफियाना मेयार नहीं हासिल कर सकती जब तक के वो हकीकत वजूद या हकीकत इल्म से बहस न करती हो, या जाकर वहां उस मंजिल पर जाकर जुड़ न जाए। बुनियादी तौर पर फलसफा वजूद को पहचानने का नाम है या हकीकत इल्म को पहचानने का नाम है, और इसमें भी फलसफे के मरातिब हैं, फलसफे की किस्में हैं। किस्में तो हमने कर ली हैं ना, हर चीज में किस्में हमने कर ली हैं। वरना इल्म तज़िया नापज़ीर हकीकत का नाम है। इल्म को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इल्म वो हकीकत है जिसे तज़िया नहीं किया जा सकता, तकसीम नहीं किया जा सकता।
یہ تمام تقسیمیں یہ اعتباری تقسیمات ہیں، حقیقی تقسیمات نہیں ہیں. حقیقت علم ایک جوہر مجرد ہے، یعنی ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے جس کا نام ہے علم. شجر علم ارض خاکی سے رویدہ نہیں ہوتا، شجر علم کسی ارض خاکی سے رویدہ نہیں ہوتا. اسی لیے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں شہر علم ہوں. جس کی ذات نور محض تھی اس نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، اور یہ علم، یہ شہر علم کا دروازہ ہے. اور فرمایا تو شجر علم کسی ارض خاکی سے رویدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، اور اسی لیے اس کو بانٹا بھی نہیں جا سکتا، تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر زمان و مکان کے تقاضوں کے تحت ایک حقیقت نوری یا حقیقت علمی کو تقسیم بھی کر دیا جائے، ایک نہیں دو پیکروں میں، دو نہیں پانچ پیکروں میں، پانچ نہیں بارہ پیکروں میں، بارہ نہیں چودہ پیکروں میں، تب بھی کہنے والا کہتا ہے اس وحدت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ہمیں کثرت میں، ہماری کثرت کو نظر میں نہ لاؤ، جو حقیقت پہلے کی ہے وہی اوسط کی ہے، وہی آخر کی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ واضح رہے کہ علم ایک ایبسٹریکٹ حقیقت ہے، حقیقت مجردہ ہے، اور یہ تقسیم ناپذیر حقیقت ہے. ہم نے قسموں میں بانٹ دیا ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، ہماری فہم کم ہے، ہمارا دامن وجدان محدود ہے، اس لیے کہ خود ہمارا وجود محدود ہے. ہم کل علم کو کنسیو ہی نہیں کر سکتے. اور میں نے ابھی ماڈل ٹاؤن کی مجلسوں میں گزارش کیا تھا کہ کمال علم کا نام ہے ایمان، تو جب ہم علم کو کنسیو نہیں کر سکتے تو کل ایمان کو کہاں سے کنسیو کر سکتے. لیکن اب آپ غور فرمائیں کہ فلسفہ علم یا وجود سے بحث کرتا ہے، اور تمام اقسام فلسفے کے معتبر تب قرار پاتے ہیں کہ جب کہیں نہ کہیں وہ حقیقت مطلقہ کی ترجمانی کے لائق ہو جائے. یعنی مسئلہ مبدا، مسئلہ معاد، اور فیاض علی الاطلاق، اس حقیقت مطلقہ کے صفات، اس کے افعال یا اس کی ذات سے متعلق جب بحث ہوتی ہے تو وہ ہے کور آف دی فلسفی، مغز فلسفے کا. اچھا، تو فلسفہ وہ ہے کہ جو وجود حضرت باری عز اسمہ سے بحث کرے، وہ ہے فلسفہ. ادب وہ ہے کہ جو جذبات انسانی کی ترجمانی کرے. دعا وہ صنف ادب ہے
जिसमें फलसफा भी समोया हुआ है, अदब भी समोया हुआ है। और खुद ये छोटा सा फकरा खुदा की कसम ये बेहतरीन फलसफियाना मतन है कि जो इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए वो फलसफा भी किसी काम का नहीं होता जो इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ ना, और वो अदब भी अर्जा होता है, कमतर दर्जे का होता है जो फलसफियाना अर्जिश ना रखता हो। चनानचे ये जुमला, ये फकरा कुरान मजीद का, इसमें गोया तमाम रूह अदब भी मौजूद है और तमाम जौहर फलसफा भी मौजूद है। क्यों? इसलिए कि पहला फकरा फिक्र इंसानी को आवाज़ देता, अम मन युजीब, वो कौन है, वो कौन है कि जो उसे जब पुकारा जाता है तो वो आवाज़ देता है, वो कौन है कि जिससे तलब की जाती है तो वो तलब को पूरा करता है, वो कौन है जिससे दुआ की जाती है तो वो दुआ को मुस्तजाब फरमाता है। अम मन युजीबुल मुफ्तर, और मुफ्तर के लफ्ज़ ने जज्बात से ममलू इंसान की तर्जुमानी कर दी। इंसान इज़्तिराब में आता है जज्बात की बिना पर, मुफ्तर होता है जज्बात की बिना पर। अम्मन युजीबुल मुफ्तर इज़ा दुआ व यक्शिफुस सू। चुनांचे तन्हा ये फकरा कुरान मजीद का खुदा शनासी के बाब में बेहतरीन फकरा है। लेकिन अजीजाने गिरामी, खुदा शनासी की एक हद वो है कि जो कभी हमारी नज़र में आ ही नहीं सकती, लेकिन एक हद वो है कि जो हमारे ज़मायर में मौजूद है। फितरी तौर पर इंसान इजमालन खालिक का तसव्वुर लेकर दुनिया में आता है, इसीलिए कुरान मजीद ने भी दीन को फितरत से ताबीर किया है, और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुल्लो मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया गया कि मल फितरा, फितरा क्या है, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हियल फितरा, ला इलाहा इल्लल्लाह फितरत है। यानी ज़मीर इंसानी में ये कलिमे तौहीद कंदा है। इजमालन हर शख्स खुद को आज़ाद महसूस करता है हर ताकत से, और किसी एक ताकत की बंदगी का एहसास भी रखता है। इजमालन, इजमालन। अब शरफ इंसानी यह है कि वो इस इजमाल को तफसील में बदल दे। और फरमाया अच्छा, इजमालन हमें इल्म है कि हाँ कोई ज़ात है। अब जब हम उसे पुकारते हैं तो पुकारने के मरहले में हमें मालूम नहीं होता कि हम उसको किस नाम से पुकारें, किस अंदाज से पुकारें, किस लहजे में पुकारें, किस साहत में पुकारें, किस जाविये मकान में जाकर आवाज़ दें। हम हैरान हैं, और जब हम मासूमीन का दामन थाम लेते हैं तो हमें वो अल्फाज मिल जाते हैं कि किन अल्फाज में हम परवरदिगार की बारगाह में अपनी दरख्वास्त पेश करें। हमें ज़मान व मकान का शऊर मिल जाता है कि हम किस वक्त, किस जगह, किस तरीके से इबादत करें और अपनी आवाज़ उस बारगाह नाज तक पहुँचाएँ। इसीलिए तमाम मजहबी अदब में अदबुद्दुआ का मर्तबा बहुत बुलंद है, और पूरी दुनिया में वैसे इजमालन जितने भी दुनिया में तरक्की याफ्ता अदब हैं, अदबी सरमाए, चाहे वो यूनानी अदब हो, रोम का अदब हो, अंग्रेज़ी अदब हो, फ्रांसीसी अदब हो, जर्मन अदब हो, कदीम ज़बानों का अदब हो, जदीद ज़बानों का अदब हो, हर अदब में, हर शायरी में आपको दुआ की सिर्फ में कुछ ना कुछ कलाम मिल जाएगा। यानी बाज ऐसे शुआरा के जो नऊज़ु बिल्लाह इल्हाद को अपनी दानिश्वरी की पहचान करार देते हैं,
मैंने उनके कुलियात में भी दुआ के उनवान से नज़्म देखी है। और फरमाया उनके कुलियात में भी दुआ के उनवान से नज़्म मौजूद है। इसके मानी ये हैं कि ज़मीर इंसानी में तो जज्बा दुआ मौजूद है, मगर अच्छा एक महसूस सी मिसाल दे दूं बच्चों के लिए। फर्ज कीजिए कोई कुतुब की कुव्वत का कायल ना हो कि कुतुबैन में किसी किस्म की ग्रेविटी या कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है इस कायनात में ज़मीन पर, कायल ना हो, लेकिन कुतुब नुमा उसके सामने रख दीजिए और गलत समत में रखिए, उसकी रूई उसकी सुई में एक इज़्तिराब नज़र आएगा, मुस्तरिब रहेगी उसकी सुई, और उसकी सुई उस सुई का इज़्तिराब बताएगा कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो चाहे नज़र ना आ रही हो लेकिन जब तक समत दुरुस्त ना हो जाएगी उस वक्त तक इसे करार नहीं आ सकता। बस आप गौर फरमा लें कि ये दिल इंसान का ये इज़्तिराब की हालत में रहता है और जब तक इसकी सुई उस मरकज़ आला की तरफ ना हो जाए उस वक्त तक इसे करार नहीं मिल सकता। बस इसी कैफियत को आयत ने मुतवज्जह किया है कि अम मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दुआ, अरे तुम अपने कल्बे मुस्तरिब की कैफियत देखो और फिर पहचानने की कोशिश करो कि वो कौन है कि जिससे इर्तिबात के बाद तुम्हें सुकून मिल जाता है। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले अभी तो तमहीदी मंजिल में गुफ्तगु है और तमहीद भी मुकम्मल नहीं हुई है। हकीकत दुआ एक साबित हकीकत है। आप हज़रात एक सलावत पढ़ें मोहम्मद दुआ। बहुत फिक्रंगेज मौजू है, बहुत फिक्रंगेज मजमून है, अदबी एतबार से भी, फलसफियाना एतबार से भी, दीनी एतबार से भी। ये ना समझना चाहिए कि मेरी गुफ्तगू इस वक्त सिर्फ शेरी और जज्बाती हवालों से हो रही है। कल्ब इंसानी का इज़्तिराब एक हकीकत है और इस हकीकत का सहारा लेकर कुरान मजीद ने ज़हन इंसानी को मुस्तरिब कर दिया है, सवाल कायम करके कि वो कौन है जो तुम्हारे इस्तेराब को दूर करता है। और अगर आप गौर फरमाएं तो इस तालिब इल्म के इस मारूजे से इत्तेफाक फरमाएंगे कि इस कायनात में माँ सिवल्लाह के क़वाम व क़याम के लिए जो सबसे बड़ी हकीकत है उसका नाम है दुआ। इस पूरी कायनात का क़याम जिस कैफियत पर है वो दुआ है। दुआ असासे मुमकिनात है, दुआ असासे मुमकिनात है। क्यों? एक दुआ होती है जो आप जबान से करते हैं लेकिन दुआ हकीकतन किसे कहते हैं? हकीकतन दुआ नाम है तलब का, तलब होती है ना, एहतियाज को दूर करने के लिए तलब का नाम है दुआ। अब फलसफियों से पूछें जाकर के जो वजूद को तकसीम किया है दो किस्मों में,
एक को कहते हैं वाजिबुल वजूद, एक को कहते हैं मुमकिनुल वजूद। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं, मुमकिनुल वजूद किसे कहते हैं? वाजिबुल वजूद वो है कि जो अपने वजूद के लिए किसी का मोहताज ना हो। मकतबी सतह की तारीफ है, इब्तिदाई तारीफ है। वाजिबुल वजूद वो कि जो अपने वजूद के लिए, अपनी हस्ती के लिए, अपनी मौजूदगी के लिए किसी गैर का मोहताज ना हो। और मुमकिनुल वजूद वो कि जो अपने वजूद के लिए गैर का मोहताज हो। जितनी चीजें कायनात में नजर आती हैं ये सब है मुमकिनुल वजूद। जमीन है मुमकिनुल वजूद, सूरज है मुमकिनुल वजूद, चांद है मुमकिनुल वजूद, सितारे सैयारे सब मुमकिनुल वजूद, इंसान मुमकिनुल वजूद, जिन मुमकिनुल वजूद, फरिश्ते मुमकिनुल वजूद, अंबिया मुमकिनुल वजूद, सब मुमकिनुल वजूद हैं। और मुमकिनुल वजूद जो कि माहियात हैं ये उस वक्त तक वजूद में नहीं आ सकते जब तक के वाजिबुल वजूद से वजूद तलब ना करें या वाजिबुल वजूद वजूद अता ना करें। वाजिबुल वजूद जब तक वजूद अता ना करेगा मुमकिनुल वजूद मौजूद नहीं हो सकता। वाज़े है। अब ये अता अगर जबान से है तो अदब दुआ है, अगर हकीकत ज़ात से है तो जौहर दुआ है। यानी माहियात मुमकिना की कैफियत असली का नाम ही दुआ है, इसलिए कि वो बिज़ात मुफ्तकिर हैं इल्लाह। जब तक के यानी उनकी ज़ात में फ़क्र है, उनकी ज़ात में नादारी है। अब इसको जाहिर सी बात है अभी तक इस्तिलाहात, अगरचे इब्तदाई इस्तिलाहात में इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़लसफ़े की, लेकिन शायद नौजवानों और बच्चों के लिए एक मुश्किल हो तो मैं गुजारिश करूँ मिसाल देकर के माहियत किसे कहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ माहियात मुमकिना, जितनी चीज़ें मुमकिन हैं ये सब माहियत रखती हैं। और तज़िया जब ज़हनी हम करते हैं, ज़हनी तज़िया, तो हर शय को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक को कहते हैं वजूद और एक को कहते हैं माहियत, है ना? नहीं, माहियत और वजूद। माहियत को उरफा कहते हैं ज़ुलुमात, वजूद को कहते हैं नूर। और ये ताबीर कुरान मजीद में भी कई मकामात पर आई है, मिन जुमला उस आयत के जो सूरह मुबारका बकरा में है कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। यहाँ ज़ुलुमात जमा है नूर वाहिद। दूसरी आयत सूरह मुबारका अहज़ाब में वहाँ इरशाद हुआ हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। वही है वो परवरदिगार और उसके मलाइका जो तुम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं मुसलसल, ताकि तुम्हें ज़ुलुमात से नूर की तरफ निकाल कर ले जाएं। और अपने जब गहरी फिक्र से काम लिया तो कहा ज़ुलुमात से मुराद माहियात हैं। माहियात क्या हैं? अब जरा सा गुजारिश कर दूं आपके सामने। इंसान एक माहियत है। जब आप कहते हैं इंसान तो आपके जहन में एक तसव्वुर आता है एक ऐसे इंसान का कि जिसका एक जिस्म है मखसूस, मखसूस उसके आज़ा व जवारे हैं, एक मखसूस तरकीब है, एक मखसूस तरतीब है, एक मखसूस तालीफ है, एक मखसूस तसनीफ है, जिसका नाम है इंसान। एक अजीब व गरीब किताब है जिसका नाम है इंसान। एक अजीब व गरीब आलम है जिसका नाम है इंसान। और ये ताबीर मेरी नहीं है, ये ताबीर मेरी नहीं है, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अतज़अमु अन्नका जुर्मुन सगीर
وَفِيكَمْ طَوَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ کیا تم اپنے کو ایک حقیر مادی وجود سمجھتے ہو, ایک حقیر مادی جرم سمجھتے ہو, تمہارے اندر تو ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا نے جتنا بھی ادب عظمت انسانی کے باب میں تخلیق کیا ہے وہ ایک طرف, اور ادیب نہج البلاغہ کے یہ دو مصرے ایک طرف. سارا ادب ایک طرف اور ادیب و خطیب نہج البلاغہ کے یہ دو مصرے ایک طرف, کہ تم اپنے کو ایک حقیر مادی جرم سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. تو یہ عالم اکبر جو ہے انسان بظاہر اس کی جو ترکیب وجودی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, سر ہے, دو بازو ہیں, سینہ ہے, جسم ہے, اعضاء و جوارح ہیں آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ جو ایک تصویر ہے, یہ جو ایک شکل ہے, یہ ہے ماہیت جو آپ کے ذہن میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. لیکن جو ذہن میں انسان ہوگا اس میں آثار وجود نہ ہوں گے, بس تصویر ہی تصویر ہوگی. یعنی خارج میں جو انسان ہے یہ بولتا بھی ہے, یہ دیکھتا بھی ہے, یہ سنتا بھی ہے, یہ چلتا پھرتا بھی ہے, یہ پڑھتا لکھتا بھی ہے, یہ سوتا بھی ہے, جاگتا بھی ہے, یہ میدان جنگ میں جم کر جہاد بھی کرتا ہے, کمزور ہوتا ہے تو پہاڑیوں پہ بھی نظر آتا ہے. انسان ہے, انسان ہے, انسان, انسان میں تمام آثار موجود ہیں. قوی ہے انسان تو اس میں آثار قوت ہیں, کمزور ہے انسان تو اس میں آثار ضعف ہیں. یہ تمام آثار ہیں وجود کے ساتھ. ذہن میں جو ماہیت ہے اس میں آثار نہیں ہیں. میں دوسری مثال دے دوں, پانی. میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور گزارش کروں کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, مثال دے رہا ہوں, آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں. میں کہوں مجھے پیاس لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ پانی عطا فرمائیں گے. اگر آپ پانی نہ دیں لا کر مجھے اور بیٹھے ہوئے کہہ دیں پانی پی لیں, تو وہ جملہ مجھ تک آ گیا, پانی کا لفظ میرے کانوں کے واسطے سے میرے ذہن تک پہنچ گیا, اور ذہن میں پانی کا تصور, ذہن میں جل تھل کی کیفیت ہو گئی, مگر جگر کی پیاس نہ بجھی. پیاس کا بجھانا ماہیت کا کام نہیں ہے, وجود آب کا کام ہے. جب پانی کا حقیقی وجود میرے جسم میں جائے گا تو پیاس بجھے گی. تو پانی کا کام ہے پیاس کا بجھانا, یا پانی کا کام ہے آگ کا بجھا دینا, مگر پانی کا کام ہے پانی کی صرف ماہیت کا تصور کر لیں تو پیاس نہیں بجھے گی. غور فرمایا آپ نے. اب اسی طرح آپ اور تصور کر لیں, میں نے انسان کی مثال دی تھی, انسان آپ ایسا انسان تصور کر لیں کہ 10 ہاتھ کا انسان تصور کر لیں, آپ تصور کر سکتے ہیں, ذہن میں تصور کر لیں, آپ کاغذ پر تصویر بنا لیں, آپ پتھر کی مورت بنا لیں, آپ بنانے والوں نے بنایا ہے نا, 4 ہاتھوں کی مورت ہے, 10 ہاتھوں کی مورت ہے, ہے نا سب کچھ, 4 سر کا مجسمہ بنا لیں, یہ سب ہے ماہیت. اس میں کوئی آثار وجود پیدا نہیں ہو سکتے. آثار وجود تب پیدا ہوں گے, یعنی یہ ابھی ظلمت ہے, محض تاریکی ہے, محض سایہ ہے, محض آسیب ہے. اس میں آثار وجودی تب پیدا ہوں گے جب فیاض علی الاطلاق کی طرف سے اسے جوہر وجود مل جائے, نور وجود مل جائے. جیسے ہی نور وجود ملے گا اب یہ نوری وجود ہو جائے گا, ظلمت اس میں نہیں پائی جائے گی.
तो ये है माहियत और वजूद का राबता हर शय में। अब जितनी माहियातें मुमकिना हैं, जो कुछ भी आलम इम्कान में है माँ से वल्ला, वो सब मुमकिन है और अपनी जात में मोहताज है इफाज़ाए वजूद का, अपनी जात में फकीर है इफाज़ाए वजूद का। अगर इस माना में इंसान फक्र का इदराक कर ले तो वही इंसान कामयाब है, और वही इंसान कहता है अल फक्रो फखरी, यानी उसके बारगाह में फकीर होना मेरा फख्र है। हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है अल फक्र व फखरी, फक्र मेरे लिए बाइस फख्र है, सरो सामान फख्र है, मेरे लिए सरमाया नाज है। कौन सा फख्र? इबादुल्लाह के सामने हाथ फैलाना, नऊज़ु बिल्लाह गदागरी करना, नऊज़ु बिल्लाह जाविया नशीन होकर इंसानों का मोहताज हो जाना, खैर व खैरात का मोहताज होना, खुमसो ज़कात व सदकात का मोहताज हो जाना। नहीं, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रसूल, तुम्हारे अइम्मा तुम्हें मुफलिस और मोहताज दुनिया का नहीं देखना चाहते। ज़ोहद की तालीम के ये मानी नहीं आए कि दुनिया में मुफलिसों की जिंदगी बसर करो, तुम्हें सबसे ज्यादा दौलतमंद होना चाहिए, मगर दौलतमंद होने के बावजूद बारगाह इलाही में जो असली फक्र है उसका एहसास मिटने ना पाए। जो असली फक्र है उसका एहसास मिटने ना पाए कि हम बहैसियत मुमकिन मुतलकन फकीर हैं, कुछ नहीं है हमारे दामन में, बस उसकी चश्मे करम है कि हम मौजूद हैं, हमारे पास वजन है, हमारे पास जिस्म है, हमारे पास गोयाई है, हमारे पास इल्म है, हमारे पास जो कुछ भी दाराई है वजूद की, वो एक चश्मे करम का नतीजा है। एक ज़रा सा चश्मे करम हट जाए फिर हम कुछ भी नहीं हैं, लाशय होकर रह जाएंगे। ये फाकर इंसान के अंदर भी मौजूद है और जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। इस फाकर को, इस नियाज को, इस एहतियाज को दूर करने की जो वजूदी कैफियत है उसका नाम है दुआ। यानी जर्रा जर्रा मशगूल दुआ है, कायनात का जर्रा जर्रा मशगूल दुआ है, मसरूफ दुआ है, हम तन दुआ है। ये कायनात पूरी हम तन दुआ है, सर बसर दुआ है। इसीलिए कभी सूरज की रोशनी कम नहीं होती, कभी चांद की ताबनाकी कम नहीं होती, कभी कायनात का हुस्न कम नहीं होता, कभी जमीन की दौलत कम नहीं होती। ये इंसान है कि कभी दुआ करता है और अक्सर गाफिल रहता है, इसीलिए इसके चेहरे में कभी तक करके कभी कभी तो चमक होती है मगर अक्सर तारीकी रहती है। ये इंसान है, ये इंसान है कि जिसका राबता मुसलसल नहीं है, ये इंसान है। दुआ पूरी कायनात की असास है, मुबालिगा ना समझिएगा इसे, असास कायनात है दुआ। और इसीलिए किसी बुजुर्ग ने ये जुमला लिखा है और अच्छा लिखा है, दुरुस्त लिखा है कि दीनो मजहब की असास भी दुआ है। उसूल दीन, फुरूह दीन, इबादात, आदाब, अखलाक, ये सब सिखाए गए किस लिए? ताकि मुमकिन का वाजिब से रिश्ता बरकरार रहे। तो मैं समझता हूं कि पूरा निजाम दीन उसूल से लेकर फुरूह तक, शरीयत ज़ाहिरिया से लेकर आदाब बातिनिया तक, ये सब शर्ह है इस एक फिक्रे कुरानी की, अम्मन युजीबुल मुक्तर इदा दआहु वयक्षिफुस्सु। पहचानो तो सही कौन है कि जब एक मुस्तर दुआ करता है तो वो उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, कौन है? खुदा शनासी की बहस। अच्छा,
अब ये मैं गुजारिश कर चुका हूं कि खुदा शनासी की जितनी बहसें हैं उनमें जान सुखन है वसाइल इलाहिया की शनाख्त। जर्रों को तो खुदा ने खुद सिखा दिया है कि कैसे दुआ करनी है। जमीन जानती है कि खुदा से कैसे दुआ करनी है, दरख्त जानते हैं कि कैसे दुआ करनी है, शम्स व कमर को मालूम है कि कैसे दुआ करनी है। ये इंसान है कि जो जाहिल है, नादान है, इसे नहीं मालूम कि कैसे दुआ करनी है। इसलिए इसको ऐसे मासूम बंदों की ज़रूरत है जिन्हें खुदा भेजे और उनके ज़रिए से तालीम फरमाए कि इन्हें सिखाओ हमारा नाम कैसे लिया जाए, हमसे कैसे राबिता रखा जाए, फैज़ कैसे हासिल किया जाए, इस्तिफादा और इस्तिफादा किस तरह किया जाए। और मासूमीन भी वो हैं जिन्होंने दुआ को खुदा की कसम खुदा शनासी का एक ऐसा वसीला बना दिया कि कयामत तक इनकी दुआएं भी एजाज हैं, एजाज। अब मैं एक जुमला अर्ज करूं, बकिया बहसें इंशाल्लाह आइंदा दो मजलिसें जो यहां हैं उसमें गुजारिश करूंगा कि आज बहरहाल शब शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक ख़ास किताब सहीफ़ कामिला हम तक पहुंची है। इसका नाम सहीफ़ कामिला भी है, इसी का नाम सहीफ़ सज्जादिया भी है, इसी को ज़बूर आले मोहम्मद भी कहते हैं, इसी को इंजील अहले बैत भी कहते हैं, इसी को उख्तुल कुरान भी कहते हैं, यानी कुरान की बहन। ये सब हमारे ताबीरात हैं, ये सब हमारे ताबीरात हैं, हैं? ये किताब अज़ीम शान किताब है खुदा की कसम। और एक जुमला अर्ज करूँ, इस जुमले को समझिएगा और फौरन शिर्क का इल्ज़ाम न दे दीजिएगा कि कुरान मजीद को मुअज्जज़ाए फसाहत व बलावत कहा जाता है। लेकिन याद रखें कि अगर सिर्फ फसाहत व बलावत के हवाले से गुफ्तगू होगी तो दामने अदब अरबी में या दामने अदब इंसानी में कुरान तन्हा मुअज्जज़ाए फसाहत व बलावत नहीं आए। कुरान भी मुअज्जज़ाए फसाहत व बलावत है और इरशादात पैगंबर भी मुअज्जज़ाए फसाहत व बलावत हैं, नहजुल बलागा भी मुअज्जज़ाए फसाहत व बलावत है, सहीफ़ सज्जादिया भी मुअज्जज़ाए फसाहत व बलावत है और दरबार शाम में ज़ैनब व सज्जाद के खुतबे भी मुअज्जज़ाए फसाहत व बलावत है। मुअज्जज़ात हैं ये फसाहत व बलावत। अभी जरा अपने आंसुओं पर सब्र व ज़ब्त का पहरा बिठाए रखें, कुछ देर मुझे पढ़ लेने दें। तन्हा मुअज्जज़ाए फसाहत व बलागत कुरान नहीं है, सहीफ़ सज्जादिया भी एक मुअज्जज़ाए फसाहत व बलागत है और ऐसा अजीम मुअज्जज़ा है ये कि जिससे अल्फाज पर तसर्रुफ़ इमामत का एजाज ज़ाहिर होता है। सिर्फ एक नुक्ते की तरफ इशारा कर सकूंगा, हालांकि आज बहुत सी चीज़ें जहन में थीं लेकिन अब इस वक्त तबीयत फिर इज़्मिहलाल की तरफ है तो मैं एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करूं कि हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कारनामा इस्लामी तारीख में क्या है मालूम है आपको? अगर हमारे इस इमाम की रियाजतें न होती तो आज सफ़े हस्ती पर इस्लामी उलूम व मारिफ का नामो निशान ना होता। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। इसीलिए बाज़ किताबों में अल-मुंजिद फिल आलाम में एक फ़िक्रा लिखा है, खुदा जज़ाए खैर दे जिसने भी ये फ़िक्रा लिखा, चौथे इमाम के लिए लिखा कि हुवल मुअस्सिसु थानी लि मदरसतिल इस्लाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदरसे इस्लामी के मुअस्सिसे दुव्वम हैं, मुअस्सिसे सानी। मुअस्सिसे अव्वल कौन है?
इश्तबाह ना कीजिएगा, नबी करीम ने तहरीक इस्लामी पेश की थी। इस तहरीक को मदरसा बनाने वाले का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। तहरीक अता करने वाले हैं पैगंबर, उसे मदरसे का इस्तेहकाम देने वाले हैं अली। और जितने लोगों की तरबियत की थी मौलाए कायनात ने और पैगंबर ने, दुनिया से वो हस्तियां तकरीबन मिट चुकी थी। खुलासे तारीख इस्लामी करबला में आकर बारगाह खुदावंदी में कुर्बान हो चुका था, लेकिन उसके बाद 35 साल की उम्र जो इमाम ने मदीने में गुजारी है, इसमें इल्म फिक्ह भी, इल्म उसूल फिक्ह, इल्म कलाम, इल्म इरफान, इल्म हिकमत, जितने उलूम हैं, जितने आदाब हैं, उन पर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक एक फर्द की तरबियत फरमाई है। और उन हकायक इस्लामी को दुआ के उसलूब में जिंदा रखा है। मैं एक महसूस मिसाल दे दूँ आपको, और वो मिसाल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए मैं आपके सामने हूँ, मैं दावा करूँ कि मैं मुज्तहिद हूँ, मैं दावा करूँ कि मैं फ़लसफ़ी हूँ, मैं दावा करूँ कि मैं बहुत बड़ा आबिद व जाहिद हूँ, मैं दावा करूँ कि बहुत बड़ा सरमायादार हूँ, मेरे पास जितनी दौलत है वो किसी के पास नहीं है। कोई खुश बावर इंसान बावर कर लेगा, बाकी हजरात कहेंगे ऐसे दावा करने वाले तो बहुत से देखे हैं। लेकिन अगर मैं किसी के सामने दावा ना करूं, किसी मस्जिद में तन्हा बैठा हुआ हूं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं दस्त दुआ उठाकर कह रहा हूं परवरदिगार शुक्र है तेरा, तूने मेरी इल्मी हैरत को दूर किया, तूने अहकाम मुझे समझा दिए, परवरदिगार शुक्र है तेरा, मैं फ़कीर था मोहताज था, तूने मुझे दौलत दे दी, मेरे शुक्र को सुनकर दुनिया को यकीन आ जाएगा। कि इस शख्स के पास ये दौलत मौजूद है। दावा करूंगा तो यकीन नहीं आएगा, मगर खुदा की बारगाह में जब शुक्र का सजदा करूंगा, जब दुआ के उसलूब में कुछ कहूंगा, तो फिर किसी में इनकार की हिम्मत भी ना होगी। और फरमाया आपने, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा का मिंबर मिल गया था, तो आपने खुतबात नहजुल बलागा के उसलूब में तौहीद समझाया, आपने एजाज का फलसफा समझाया, आपने कुरान की तफसीर बयान की, आपने नबूवत की हकीकत बयान की, आपने जिब्राइल और वही की हकीकतें बयान की, आपने दीन के तमाम मारिफ को बयान किया, आपने अपनी हकीकत का ऐलान किया, सलूनी सलूनी कहकर अपने इल्म का इजहार किया, अपनी इस्मत का इजहार किया, सब कुछ किया, मगर जो काम अमीरुल मोमिनीन ने खुतबों के सहारे से लिया था, वो चौथे इमाम ने दुआओं के सहारे से किया। वो काम दुआओं के सहारे से, मस्जिद में बैठे हुए तौहीद के मफाहीम मुश्तबा हो चुके थे, खुदा की के सिफात मुश्तबा हो चुके थे, वही की हकीकत पर लोगों का ईमान नहीं था, नबूवत की मारिफत नहीं थी, मगर आपने मुफस्सल दुआओं की शक्ल में तौहीद के तमाम मआरिफ को जिंदा रखा। मा बाद तबीयाती हकायक का बयान इस तरह किया है कि आज कोई भी हकीकत जू फलसफी इन दुआओं से बेनियाज नहीं हो सकता, और अगर कोई इन दुआओं तक आ जाए तो फिर उसकी इल्मी हैरत दूर हो जाएगी। इन दुआओं की कदर करें, और परवरदिगार आलम करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए हज़रत अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन ताबासराह को, कि उन्होंने उर्दू ज़बान में एक बेहतरीन तर्जमा और शर्ह सहीफ़ कामिला सहीफ़ सज्जादिया का पेश कर दिया है दुनिया के सामने। मैं कहता हूँ कि उनकी ये तीन किताबें ऐसी हैं जो हर मोमिन के घर में ज़रूर होनी चाहिए। क्या, क्या, एक नहजुल बलागा का तर्जमा और उसकी शर्ह, और दूसरे सहीफ़ सज्जादिया और उसका तर्जमा उसकी शर्ह,
और एक सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातु वसलाम। परवरदिगार उन्हें जजाए खैर अता फरमाए कि जो खिदमत वो कर गए हैं दिल से दुआएं निकलती हैं। सहीफ़े सज्जादिया तक आपका जहन आ गया और आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने मौज़ूए दुआ का इंतखाब क्यों किया। ठीक है, अब ज़रा ज़रा सा आप चंद मिनट और एक बहस को समाअत फरमा लें और उसके बाद फिर हम अपने इमाम का मातम करेंगे। बहस ये है कि मैंने क्या गुजारिश की, दुआ असासे मुमकिनात है, दुआ असासे कायनात है, मुमकिनात की तलब दुआ है, जबान के जरिए से इसका इजहार हो तो अदब दुआ है, वरना अगर जबान से इजहार न भी हो, अगर जबान से इजहार न भी हो, कोई सिर्फ तलब दिल में रख कर आसमान की तरफ देख ले तो वो परवरदिगार उसकी तलब पूरी करता है, क्योंकि उस वक्त दुआ जबान से नहीं आंखों से हो रही है। कोई आसमान की तरफ ना भी देखे, सिर्फ जिक्र खुदा में मशगूल रहे, तो भी उसकी दुआ, उसकी तलब, उसकी जरूरत, उसकी नियाज, उसकी एहतियाज पूरी हो जाती है, उसका फाकर दूर हो जाता है। मैं एक ऐसे मसले की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि जो मारूफ भी है और कदरे गैर मारूफ भी, लेकिन इस वक्त जबान पर यह फिक्र आ गया कि अगर जबान से तलब ना भी हो, जबान से दुआ ना भी की जाए, दिल में तलब हो तो परवरदिगार उसे पूरा कर देता है। और वहां पर परवरदिगार की उस रहमत का अंदाजा होता है, तवज्जो बरकरार है, उस रहमत का अंदाजा होता है, उस लुत्फ खास का अंदाजा होता है, उस करम का अंदाजा होता है जो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि एक मंजिल आजामत इंसानी की वो भी है कि जहां इंसान की रजा परवरदिगार पूछता है। मैंने कहीं गुजारिश किया है ये मजमून के अल्लामा इकबाल का जो शेर है बहुत मशहूर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा की कसम ये इल्हामी शेर है, और अगर कुरान मजीद से इक्तिबास ना करते इकबाल तो ये शेर नहीं कह सकते थे, नहीं कह सकते थे। कुरान मजीद की वो एक आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु रजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलटा अपने रब की तरफ इस हालत में कि तू अपने रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो। खुदा की कसम दुनिया में बड़े से बड़े वली, फकीर, मुश्तहिद, आरिफ, सूफी सबकी जिंदगी देखें, हर एक की सदाए हाल ये होती है कि मौला तू मुझसे राजी हो जा। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता, परे परवाज़े तखय्युल जल कर राख हो जाएं। अगर इंसान ये सोच भी ले कि कोई मंजिल ऐसी भी आ सकती है जहां हमारी रजा ऐसी अहम हो जाए कि परवरदिगार रजा जो ही फरमाए और फरमाए, इंसान नहीं सोच सकता था। इंसान को ये उफ़ुक़े फिक्री से आशना करने वाला खुद परवरदिगार है। अपनी अजमत तो समझो, एक मंजिलत ये भी है, एक अजमत ये भी है तुम्हारी, एक मकाम ये भी है तुम्हारा कि तुम इस बुलंदी तक आ सकते हो कि जहां हम तुम्हारी मर्जी का लिहाज भी करें। जो हजरत कल की और परसों की तकरीरों में थे वो भी अपने जहन को वहां से भी मरबूत कर लें कि जब इंसान उस मंजिल पे आ जाए कि खुद कोई ख्वाहिश ही ना करे, और उसकी आरजू ये हो कि जो उसकी मर्जी हो वही हमारी ख्वाहिश, तो फिर परवरदिगार भी तो ये चाहेगा कि जो तेरी मर्जी होगी वही मेरा फैसला। आज
आज खास तौर पर आज की मजलिस में ये फिक्रा मेरी जबान पर आ गया तो मैं समझता हूँ कि ये आज की मखसूस मजलिस के लिए ज़रूरी भी था और शायद ताईद मासूम की बिना पर यह फिक्रा मेरी जबान पर आया, इसलिए कि हमारे चौथे इमाम की सवान उम्री पढ़ें तो उनके बचपन के वाकयात में एक वाकया है। फरमाते हैं कि एक मरतबा आप बीमार पड़ गए बचपन में और जनाब सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बलंदर सलावत पढ़े, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटा कोई ख्वाहिश है? मुस्तनद मुहद्दिसीन ने यह फिक्रा लिखा है, हमारे चौथे इमाम ने उस उम्र में फरमाया बाबा एक ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश ये है कि मेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा ना हो जो मर्जी है रब के खिलाफ। जब्त करें जब्त करें, ये हमारे और आपके चौथे इमाम की ख्वाहिश है, ख्वाहिश कि बाबा मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश पैदा ना हो जो मर्जी है रब के खिलाफ। जब अल्लाह के ऐसे बंदे हों तो फिर ये मकाम आता है कि ये उसकी रजा जोई करते हैं, वो इनका इनकी रजा जोई फरमाता है। और सिर्फ यही नहीं, मैं अर्ज करूं कि हो सकता है आप ये समझें कि कुरान मजीद में किसी मकाम पर खुदा ने फरमा दिया, कोई इसकी मिसाल भी है ठोस कि जहां सबूत फराहम हो जाए कि हाँ खुदा ने अपने किसी बंदे की रजा जोई फरमाई भी है अमलन। कोई मिसाल भी तो होनी चाहिए कि जहां अंदाजा हो कि परवरदिगार ने रजा जोई फरमाई है। अच्छा, रजा जोई के मानी क्या होते हैं? रजा जोई मर्जी को पूरा कर देना, ये तो ये कि किसी ने दुआ की, तलब सामने आई और तलब पूरी कर दी। लेकिन जहां इश्क व मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो, मुस्तहकम से मुस्तहकम तर हो, वहां सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि इसने जबान से क्या कहा, वहां एक कैफियत ये होती है कि फिर इंसान मंशा को देखता है कि जबान से तलब हो या ना हो, देखें इनकी मर्जी क्या है। आपस में भी ये होता है, जहाँ मोहब्बत का रिश्ता होता है, मुखलसाना सच्चा मोहब्बत का रिश्ता होता है, वहाँ इंसान कबल से कि कुछ जबान से निकले तलब पूरी करने की कोशिश करता है। मिजाज शनास अगर हो तो ये कैफियत होती है, हैं? तो अब मैं एक मिसाल दूँ कि जब मोहब्बत के रिश्ते होते हैं तो इंसान चश्मो अबरू से भी पहचानने लगता है कि इनकी तलब क्या है, इनकी ख्वाहिश क्या है, इनके दिल में क्या है। हर शख्स के दिल की इबारत को नहीं पढ़ सकता, ये सिर्फ निगाह मोहब्बत होती है जो किताब दिल की तिलावत किया करती है। तो जनाबे वाला, हमें कुरान मजीद में एक नहीं मुतअद्दिद मिसालें मिली, लेकिन मैं एक मशहूर मिसाल की तरफ मुतवज्जह करूंगा, जो कल किसी जवान ने मुझसे सवाल भी किया था, एक मशहूर मिसाल। और वो मशहूर ये मिसाल ये है कि कुरान मजीद में दूसरे पारे में शुरू ही दूसरा पारा होता है तब्दीलिय क़िबला के बयान से। वो कुरान मजीद की आयतें जाके पढ़ लीजिएगा, पूरा मंजर कुरान मजीद ने लिखा है, अजीब व गरीब अंदाज से लिखा है। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, ये पूरी आयत है ना, पूरा रुकू में पढ़िए। नादान सवाल करते हैं, सोफहा सवाल करते हैं, बेअक्ल लोग सवाल करते हैं, इन्हें क्या हो गया है जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे आज वो किबला छोड़कर नए किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। पूरा रुकू पढ़ें, उसमें जो किबले की तब्दीली का मंजर है ना, वहां पर अंदाजा होता है कि रब को अपने हबीब की रजा जोई का कितना ख्याल था। जुमला याद
रजा जोई का कितना ख्याल था, इसलिए कि मकाम दुआ नहीं है यहाँ पर बज़ाहिर, रिवायत नहीं है बल्कि कुरान मजीद की आयत है। आयत क्या कहती है, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا। ऐ हबीब, हम देख रहे हैं कि आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, आपका चेहरा बार बार हमारी तरफ उठता है, यानी आप कुछ कह नहीं रहे हैं। जबान से कुछ नहीं कहा, दस्त दुआ बुलंद नहीं फरमाया, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, बस हम देख रहे हैं चेहरा आप उठा रहे हैं आसमान की तरफ, यानी चेहरा उठाना, इसे कहते हैं रिजा जोई, यानी मुस्तफा मेरे हबीब अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमने चेहरा उठाया और हम समझ गए कि दिल में तलब क्या है। क्यों कह रहा हूं ये, क्यों कह रहा हूं ये, जरा और आयत का दूसरा फकरा समझिएगा तो फिर आपको हज हासिल होगा कुरान मजीद की बलागत का और इस मकाम का और परवरदिगार आलम की उस मखसूस इनायत का कि जो उसके हबीब पर है, के फरमाया गया قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, अब हम आपको ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ेंगे, मुतवज्जह करेंगे, रहनुमाई करेंगे, क़िबलतन ऐसे क़िबले की तरफ, तरवाहा जिससे आप राजी हो जाएंगे। बयान नहीं है, ये किसी शायर का कसीदा नहीं है, ये किसी रावी की ज़ईफ रिवायत नहीं है, ये कुरान मजीद की आयत है जिसमें कहा जा रहा है कि فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, आप राजी हो जाएंगे। मैं सवाल करूं फुकहाए इस्लाम से, सवाल करूं मुज्तहिदीन किराम से, सवाल करूं सूफियाए किराम से, सवाल करूं औलियाए इज़ाम से, सवाल करूं, हम नमाज पढ़ते हैं किसकी रजा की खातिर, खुदा की खातिर, वजू करते हैं किसकी रजा की खातिर, खुदा की खातिर, नमाज और ये इबादत का मसला है, हम जब खड़े होते हैं क़िबले की तरफ रुख करके तो क्या नियत करते हैं, खड़े हो रहे हैं क़ुर्बतन इलल्लाह यानी हुब्बन लिल्लाह यानी रजाए इलाही को हासिल करने के लिए, तो नमाज का मसला है किसी और इबादत का मसला नहीं है, नमाज का मसला है किसी और इबादत का मसला नहीं है, खुदा की इबादत होती है, खुदा का सजदा होता है, खुदा को कहना चाहिए था ए मेरे पैगंबर अब तुम उस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो कि मैं राजी हो जाऊं। मगर खुदा फरमा रहा है कि अब हम आपको उस क़िबले की तरफ मोड़ देंगे कि जिससे आप राजी हो जाएंगे। सारे मुसलमान क़िबले की तरफ रुख करते हैं रज़ाए खुदा की खातिर, और खुद क़िबला मुअय्यन करता है खुदा रज़ाए मुस्तफा की खातिर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले, शोर मचा रखा है, बिदत और कुफर को इस्लाम बना रखा है। मेरे मालिक मेरे खालिक, अगर तू चाहता है कि ये तेरा इस्लाम फैले और फूले तो फिर भेज उसको जो पर्दे में छुपा रखा है। जज़ाकुम अल्लाह। अब मसला वाज़े हुआ, कुरान की मिसाल दी है ना मैंने,
कोई और मिसाल तो नहीं दी है कि परवरदिगार ने सिर्फ कह नहीं दिया कि एक मकाम वो भी है कि जहां मैं अपने बंदों की रजा जोई करता हूं, बल्कि करके दिखा दिया कि देखो कैसे रजा जोई करता हूं। जबान से तलब सामने नहीं आती, मैं अपने हबीब के चश्मों अबरू को देख कर उसकी तलब को पूरा कर देता हूं। अब यहां तक तो कुरान था, अब मुझे सोचने का हक तो है कि या रसूल अल्लाह वो कौन सी खास बात थी कि आपके दिल में तलब थी परवरदिगार काबे को किबला बना दे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नजर इस पर थी, महबूब मैं किसी और किबले की तरफ सजदा क्यों करूं, मैं उस किबले की तरफ सजदा क्यों ना करूं जहां तेरी तौहीद का सबसे बड़ा परस्तार पैदा हुआ। हम अपने इदराक से तो काम लें। कुरान ने एक मंजर पेश किया, ये महसूस मंजर है, ये महसूस मंजर है। अद नरा तकल्लुब वजहक फिस समा, खुदा की कसम क्या आयत है कुरान में, इसकी फसाहत, इसकी बलागत, इसकी कैफियत, इसकी कैफियत। फलनवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, आप उस किबले से राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। अच्छा जरा और आगे चलें। जब बात काबे तक पहुंच गई, जब बात काबे तक पहुंच गई तो आपने देखा कि मकाम तलब क्या है। तवज्जो रखना आजीज, धीरे धीरे जब मैं चुप रहता हूं तो भी कुछ कहता रहता हूं। मैं ठहरता हूँ ना, कुछ बातें लफ्जों में कहता हूँ और कुछ अपनी कुव्वत नफ्स से चाहता हूँ कि आपके जहनों में मुंतकिल हो जाए। सुभान अल्लाह, साथ ने देखे बात काबे तक पहुँच गई, बात मौलूद है काबा तक पहुँच गई। और सिलसिला गुफ्तगू का जहन में रहे, तलब और दुआ। एक दुआ वो है जो हम जबान से करते हैं, एक दुआ वो है कि जो हम दिल से करते हैं। खुदा वो है जो जबान से तलब को भी पूरा करता है, जो दिल की तलब को भी पूरा करता है। और उसने इस मकाम पर अपने हबीब की तलब कल्बी को पूरा करने का एक सबूत फराहम किया है। तो मालूम हुआ कि तलब मुस्तफा क्या है, मालूम हुआ कि तलब मुस्तफा क्या है, जहां भी मुस्तफा होंगे मुस्तफा से मुस्तफा की तलब जुदा नहीं हो सकती। जब जमीन पर मुस्तफा हैं और नमाज पढ़ने की मंजिल आई तो तलब मुस्तफा क्या है, काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना तलब कल्ब मुस्तफा। अब अगर मेहराब काबा कौसैन और अदनाब मुस्तफा पहुंच जाए भाई, नमाज वहां भी पढ़नी है, कयाम वहां भी करना है, रुकू वहां भी करना है, सजदा वहां भी करना है, तो जब वहां नमाज पढ़नी है मुस्तफा को तो तलब मुस्तफा अलग नहीं हो सकती। और जब तलब मुस्तफा अलग नहीं हो सकती तो मानना पड़ेगा
کہ مصطفیٰ کے ساتھ نفس مصطفیٰ بھی پروردگار نے اہتمام کیا کہ جدا نہ ہونے پائے. اور اسی لیے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی رضا جوئی کا انداز ہے. مصطفیٰ تم جس کے لہجے سے مانوس ہو میں اسی کے لہجے میں باتیں کروں گا, میرے پیغمبر تم جن ہاتھوں سے مانوس ہو انہی ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا, پیغمبر تمہاری آنکھیں جن مناظر سے مانوس ہیں میں انہی مناظر میں رکھوں گا. صلوات پڑھے محمد. شروع میں نے کیا کہا تھا, علم جوہر مجرد کا نام ہے. حقیقت مجردہ کی صفت معلوم ہے کیا ہے؟ حقیقت مجردہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جسم ہے جو محدود ہوتا ہے. حقیقت مجردہ محدود نہیں ہوتی, یہ جسم محدود ہوتا ہے, حقیقت مجردہ محدود نہیں ہوتی. جسم بولتے بولتے تھک سکتا ہے, روح نہیں تھکتی. جسم کی بینائی ختم ہو سکتی ہے, روح کی بینائی ختم نہیں ہو سکتی. اگر حقیقت مجردہ کے اوصاف و کمالات کا اندازہ کر لیں اور پھر اس کائنات میں جستجو کریں کہ یہ دنیا مادی دنیا ہے اور معراج کی دنیا مادہ و مادیات سے منزہ تھی, مادہ و مادیات سے منزہ تھی. پروردگار اپنے حبیب کو وہاں تک لے گیا. کہاں تک لے گیا؟ عالم مادیات و طبعیات سے عالم مجردات تک لے گیا, عالم مجردات تک لے گیا. یہاں پر ایک سوال جو آج دن میں ہوا اور کل رات کی تقریر میں خود میں نے سوال قائم کر کے چھوڑ دیا تھا, اس کا بھی جواب دیتا چلوں کہ عالم مجردات میں بھی دو سرحدیں مقرر کر دیں, دو قوسین کا تذکرہ ہو گیا, قوسین کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. اس کے معنی کیا ہیں؟ حقیقت دعا کی روشنی میں آج عرض کر رہا ہوں. پروردگار نے ابتداءً چند چیزیں عطا کی ہیں, وجود عطا کر دیا, مختصر سا حصہ وجود. برادر محترم مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائے, انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں ماشاءاللہ درس حاصل کیا ہے اور قابل قدر ہیں. یہ فلسفے میں حصہ وجود ایک اصطلاح ہے, حصہ وجود.
तो इब्तिदान एक हिस्से वजूद अता किया गया और उसके बाद उसे इख्तियार और इरादा दिया गया और उसके अंदर पलक रख दी गई और कहा गया पलक का दामन बढ़ाओ, पलक का दामन बढ़ाओ, जितना तुम तलब करते चले जाओगे उतनी हमारी अता बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम्हारी तलब कम ना होगी तो हमारी अता में भी कोई कमी ना होगी, हमारी अता में भी कोई कमी ना होगी। हर शख्स तलब करता है लेकिन उसकी तलब के साथ साथ परवरदिगार की अता में एक मसलहत और होती है कि तलब तो ये कर रहा है। फलसफे दुआ पे गुफ्तगू है तो ये जुमला भी याद रखना अजीजो कि हमारी दुआएं कभी कबूल होती हैं कभी कबूल नहीं होती। उसका सबब ये होता है कि हम कभी कभी तो अपने ज़रूरत अपनी ज़रूरत के तहत दुआ करते हैं, कभी हम अपने पैमाने एहतियाज से दुआ करते हैं, कभी हम अपने पैमाने हवस से दुआ करते हैं। परवरदिगार पैमाने एहतियात से जो दुआ होती है उसे तो मुकम्मल करता है लेकिन जो पैमाने हवस से दुआ होती है उसे पूरा नहीं करता, इसलिए कि उसे ये भी मालूम है कि ये तलब तो कर रहा है लेकिन इसका दामन तलब इतना वसी नहीं है, हमारी अता की कदर न कर पाएगा। कदर नेमत भी तो शर्त है, जो उधर से आता हो उसको कदर के साथ संभाला भी जाए, रखा भी जाए। परवरदिगार के अता को की अता को उसकी नेमतों को संभाल कर रखना, समेट कर रखना, कदर शनासी ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। परवरदिगार जहाँ देखता है कि यहाँ कदर नेमत है वहाँ नेमतें नाजिल फरमाता रहता है, जहाँ देखता है यहाँ कदर नेमत नहीं है वहाँ नेमतें नहीं नाजिल फरमाता। ये उसकी हिकमत का तकाजा है, ये उसके अदल का तकाजा है, ये भी उसके लुत्फ व करम का तकाजा है, ये भी उसके लुत्फ व करम का तकाजा है। अच्छा अब किसी और की कदर शनासी में शुभा हो तो हो लेकिन मुस्तफा की कदर शनासी में तो शुभा नहीं हो सकता, कोई शुभा नहीं हो सकता। परवरदिगार ने एक हिस्से वजूद अता किया अपने हबीब को और उसके बाद उन्हें एक इख्तियार दिया, एक इरादा दिया और उसके बाद पलक की इजाजत दी। खुद कुरान ने फरमाया कि कहो यूं कहो रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा, है ना दुआ कुरान में। किसने किसको सिखाया है? खुदा ने रसूल को सिखाया है। ये मुमकिन है कि खुद कहे तलब करो और फिर ना दे? दस्ते अदब जोड़ के सवाल कर रहा हूं, ये मुमकिन है कि खुद कहे तलब करो और ना दे? यहीं पर एक छोटा सा जुमला कहके आगे बढ़ूंगा। हम में से अक्सर अफराद में मुस्तकबिल शनासी की जस्तजू होती है, माजी शनासी की जस्तजू होती है। हम थोड़ा सा इल्म जबर, थोड़ी सी साइंस, थोड़ा सा नजूम सीख लेते हैं तो गैब की बातें जानने का शौक होता है। खुदा अगर खुद कह रहा है कि हमसे इल्म तलब करो और अगर मुस्तफ़ा इल्म तलब करें तो क्या खुदा मुस्तफ़ा को इल्म न देगा? मुस्तफा तलब करेंगे खुदा अता फरमा देगा। तो मुस्तफा ने इल्म तलब किया और इल्म में बे इंतहा मुस्तफा को अता हुआ। मुस्तफा ने जितनी सिफतें परवरदिगार की थी सब तलब करते रहे, सब तलब करते रहे। दामने वजूदी मुस्तफा फैलता रहा, फैलता रहा, फैलता रहा, फैलता रहा, बढ़ता रहा, रुतबा बढ़ता रहा, मकाम बढ़ता रहा, कुर्बत की मंजिलें बढ़ती गईं, यहाँ तक के जितनी सिफतें रब की थी वो सब मुस्तफा में आ गईं। कोई शिर्क तो नहीं है, कोई कुफर तो नहीं है। एक महसूस मिसाल दे दूं, जितनी सिफतें थी सब मुस्तफा में आ गईं, लेकिन दो सिफतें ऐसी थीं कि जो सरवरे कायनात में आ ही नहीं सकती थीं। ये समझ लें ताकि तौहीद भी महफूज रहे और मकाम मुस्तफ़ा भी समझ लें। इसकी महसूस मिसाल ये है कि हमारे अंदर यहाँ पर बहुत से हज़रात होंगे, फर्ज़ कीजिए कोई प्रोफेसर साहब हैं, साइंस के प्रोफेसर हैं, फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं,
साइंटिस्ट हैं और उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल कर लिया, बड़े से बड़ा एजाज जो दुनिया में था वो हासिल कर लिया, और उन्होंने अपने बेटे को भी उसी लाइन में रखा। सही। बेटा भी फिजिक्स का स्टूडेंट हुआ, बेटे ने भी रिसर्च की, बेटे ने बाप की रिसर्च को आगे बढ़ाया और बेटे ने भी नोबेल प्राइज हासिल कर लिया। बेटा भी यूनिवर्सिटी में उसी चेयर पर आ गया जिस चेयर पर बाप थे। यानी बजाहिर जितनी सिफतें बाप में थीं वो सब बेटे में आ गईं। जितनी सिफतें बाप में थीं वो सब बेटे में आ गईं, मगर एक सिफत नहीं आ सकती, वो बाप है और ये बेटा। वहां इनकलाब नहीं आ सकता, मुमकिन नहीं है कि बाप बेटा बन जाए, बेटा बाप बन जाए। मुमकिन नहीं है कि बेटा अपने बाप की तरह बाप बन जाए, मुमकिन नहीं है। एक तरफ वो कि जो रुतबे वजूदी का फर्क है, और दूसरी तरफ बेटा अगर बेटा है ना, और तालीम याफ्ता और महजब बेटा है, तो बाप का अदब व एहतराम भी रहेगा, बाप की बंदगी भी रहेगी। बेटा कितना ही बढ़ जाए मगर बाप की इताअत से रूगर्दानी नहीं कर सकता, वरना उसकी तमाम फजीलतों पर पानी फिर जाएगा। खत्म वहीं पर बाप खत्म। और फरमाया आपने, और ये तो वहां भी है कि जहां फर्ज कीजिए नऊज़ु बिल्लाह बाप जाहिल है, कम रुतबा है, और बेटा जो है मुज्तहिद हो गया, फकीह हो गया, या आलिम हो गया, साइंटिस्ट हो गया। अब अगर बाप बूढ़ा आ जाए और बेटा न उठे कुर्सी से, तो उसकी तकलीद ना कीजिएगा। ऐसा मुज्तहिद और फकीह बेटा जो अपने जाहिल बाप के एहतराम के लिए भी ना उठे, काबिले तकलीद नहीं आए। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, और चूंकि बाप का एहतराम इतना ही वाजिब है, इसीलिए परवरदिगार का एहतराम है कि किसी काफिर के यहां किसी नबी को पैदा नहीं करता। इंसान का चचा बाप के बराबर होता है, और वो भी वो चचा जिसे खुदा भी बाप के बराबर करार दे दे। तो खुदा अपने नबी को किसी ऐसी जात के एहतराम पर मजबूर न करेगा कि जो मुशरिक हो, जो काफिर हो, जो मुवाहिद न हो, जो खुदा शनास न हो। यहां से आपके सामने बहुत से अबवाब रोशन हो जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो इस मिसाल में आपके सामने ये बात आई कि दो अशखास बाप और बेटे एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, मगर दो फासले नहीं मिट सकते, एक बाप का बाप होना और एक उसका वाजिबी अदब और एहतराम। मुस्तफा में तमाम सिफात राब जलवा सामा हो गए, मगर ये दो फासले रह गए, वो खालिक था ये मखलूक, वो माबूद था और ये आप। इन्हीं दो फासलों को कहा गया है कि ये काबा कौसैन और अदना का फासला है। ये दो कमाने हैं, खालिकियत और मखलूकियत का फासला, माबूदियत और अबदियत का फासला। इसके अलावा कोई फासला न रह गया मुस्तफा में और रब मुस्तफा में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। Oh,
سمجھ میں آیا؟ وہ یہ ہے قوسین، ایک قوس خالقیت ہے، ایک قوس مخلوقیت ہے، ایک قوس عبدیت ہے، ایک قوس معبودیت ہے. یہ قوسین کا فاصلہ ہے، یہ دو کمانوں کا فاصلہ ہے، دو کمانوں کا فاصلہ. ایک سوال اور کرو عزیزو، او ادنا کیا ہے؟ اچھا حضور، اگر یہ کہیں حدیث کے الفاظ ہوتے نا تو فقہا مجھے مشرک قرار دے دیتے، ان سے کوئی خطرہ نہیں. مجتہدین اور فقہا مجھے مشرک قرار دیتے، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں بھائی. فکانا دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، حدیث ہے یا قرآن؟ قرآن ہے نا. او ادنا تحریف تو نہیں آئے، قرآن کے الفاظ ہیں. تو اب بتائیے او ادنا سے کیا مراد ہے؟ خالق کی کیا کوئی خالقیت کی صفت بھی مصطفیٰ میں آ گئی؟ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک جملہ، اور آج سے قبل، اس ممبر سے قبل یہ فقرہ کہیں نہیں کہا ہے. او ادنا کو سمجھیں، دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کچھ کم. جو میں نے مثال دی تھی وہ محسوس دنیا کی مثال تھی، باپ اور بیٹے کی مثال، ٹھیک ہے؟ باپ جو حقیقی باپ ہے وہ اپنے بیٹے کا باپ ہی رہے گا، وہ اپنے بیٹے کا بیٹا کبھی نہیں بن سکتا، ممکن نہیں. جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا ہی رہے گا، وہ اپنے باپ کا باپ کبھی نہیں بن سکتا. یہ حقیقی اور سلبی مسئلہ ہے، ہے نا؟ اس میں بات میں کوئی الجھن تو نہیں ہے، مگر یہاں خالقیت و مخلوقیت جو ہے وہ سلبی تو نہیں ہے. سلبی تو نہیں ہے. ذہن کو ذرا طبیعیات سے تجرد تک لے جائیے، مجرد دنیا تک لے جائیے، ایبسٹریکٹ دنیا تک لے جائیے. بہرحال وہ خالق ہے ان کا اور یہ مخلوق ہے، مگر خالقیت بھی اس کی ذات کی ایک صفت ہے. اگر وہ اپنی اس صفت میں سے بھی کچھ دے دے مصطفیٰ کو تو کوئی کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ اور اگر وہ معبود ہے، عبادت صرف اس کی واجب ہے، اطاعت صرف اس کی واجب ہے، لیکن خدا اگر قرآن میں کہہ دے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت میں اس نے شریک قرار دے کر قوس عبدیت و معبودیت کو ذرا کم کر دیا، او ادنا کا راز یہاں پوشیدہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. او ادنا کا راز یہاں پوشیدہ ہے، اطاعت میں اس نے خود شریک قرار دے لیا. ہم قرار دیں تو مشرک ہیں، وہ قرار دے تو سخی ہے، جواد ہے، لطیف ہے، کریم. ہم نہیں مشرک شریک قرار دے سکتے، ہم اپنی طرف سے مصطفیٰ کی اطاعت کو خدا کی اطاعت کے برابر نہیں قرار دے سکتے، مگر خدا اگر خود قرار دے دے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم انکار نہیں کر سکتے. پروردگار فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو.
बंदगी का कौस सिमट आया, अवदना का आईना उजागर हो गया। हैं? बस अच्छा, जब यहाँ तक मंजिल आ गई और मुस्तफ़ा इस मंजिल तक आ गए, खालिक खुद भी खालिक है और फिर कौस भी उसने कुछ कम कर दिया, और फिर दोनों में राबता भी ऐसा है कि जनाब वाला रिजा जोई का भी रिश्ता है और एक रिश्ता और कायम कर चुका है। कुरान मजीद ही में मुर्तजा को नफ्से मुस्तफ़ा भी कह चुका है। तो अब हमारे लिए इतना सुन लेना काफी है, खुदा ने कहा मैं मुस्तफा को मेहराज तक ले गया, हम खुद समझ जाएंगे ले गया वो इन्हें मेहराज पर, ये तन्हा जाने वाले कहाँ हैं। हकीकत नफ्स, हकीकत ज़ात उसकी ज़ात से जुदा नहीं हो सकती। इस जुमले को अकीदत मंदाना न समझिएगा, हकीकत मेराज को जिन्होंने समझा है वो जानते हैं कि ये वो कैफियत है कि जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा ने मिन्नियत का रिश्ता कायम किया है वहाँ वहाँ ये कैफियत नज़र आएगी। अली मिन्नी वाना मिन हो, हसन मिन्नी वाना मिन हो, हुसैन मिन्नी वाना मिन हो, जहाँ जहाँ मिन्नियत का रिश्ता मिलेगा वहाँ इताअत और बंदगी भी साबित हो जाएगी, वहाँ एजाज की कमालात भी साबित हो जाएंगे, वहाँ कुर्ब इलाही भी साबित हो जाएगा। कोई इसमें शक व शुभा नहीं। और अजीजो बस एक जुमले में तबीयतें मुंतलिक होंगी, मुस्तफा जब मेराज पर गए थे तो हदिया नमाज का लेकर आए थे। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, बस जब मुस्तफा मेराज पर गए थे तो उन्हें नमाज हदीयतन पेश की थी परवरदिगार ने। मेराज की मंजिल से फर्श खाकी तक नमाज को लाने वाले का नाम है मोहम्मद, और फर्श खाकी से नमाज को मेराज पर ले जाने वाले का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। मकाम काबा कौसैन पर नमाज का पढ़ना और है, मगर हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां हो, गले में खारदार थोक हो, कमर में लंगर हो और धूप में तपते हुए बियाबान में गुजरना हो और जंजीरें लोहे की जिस्म में जकड़ी हुई हो और जिस्म पर छाले पड़ रहे हो और इमाम अल्लाहु अकबर कह रहा हो, ये मेराज नमाज। अजरुकुम अला अल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह खैरल जज़ा। आज रोने में बुखल ना करना, आज जनाब सैयदा को कुर्सा देना है उनके बेटे सैयद सज्जाद का, आज हुसैन को कुर्सा देना है उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन का, आज ज़ैनब जैसी फूफी को कुर्सा देना है भतीजे सैयद सज्जाद का। रोने में मुखलत, सैयद सज्जाद के उलूम, सैयद सज्जाद के मआरिफ, सैयद सज्जाद की दुआएं, सैयद सज्जाद के दुरूस और असबाब और सैयद सज्जाद की इबादतें, रियाजतें, सजदे, अल्लाहु अकबर। कभी मैंने एक सवाल किया था और उसका जवाब अर्ज किया था कि आखिर ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं। खुद हमारे इमाम का, चौथे इमाम का जुमला है, मन यक़दिरु अला इबादत अली इब्न अबी तालिब, कौन है जो अली इब्न अबी तालिब की इतनी इबादतें कर सके। यानी हमारे पहले इमाम का दर्जा इबादत कम न था, मगर वही बात दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूंगा कि आका आपके सर मुबारक पर ज़रबत लगी सजदे की कैफियत में, मगर वो एक ज़रबत अपनी जगह, यहाँ तो कदम कदम पर ज़रबतें ही ज़रबतें हैं, दुश्मन मुसलसल नेज़े की आनी से जिस्म को जख्मी कर रहा है, मुसलसल दुर्रे लगाए जा रहे हैं, नमाजों का सिलसिला चल रहा है, भूख के आलम में नमाजें हैं, प्यास के आलम में नमाजें हैं।
کے عالم میں رہا، جب خیمے جلا دیے گئے تو پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار دی، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، اور اس کے بعد پوری زندگی یا عبادت تھی یا عزاداری. عزاداروں کے امام کا اشتہ بوجھ اٹھے گا، جس امام کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، کسی شقی نے نہیں، کسی دشمن نے نہیں، دوستوں نے آ کے سمجھایا، دوستوں نے سمجھایا ہے. سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آقا کب تک گریا کریں گے، آقا کب تک گریا کریں گے، آقا صبر کیجئے، آقا صبر کیجئے. اور امام فرماتے تھے کہ تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، معلوم تھا کہ زندہ ہے مگر زندگی بھر اتنا روئے کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں. میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے 18 یوسفوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے لاشوں کو پامال سم اسبا ہوتے ہوئے دیکھا. عزیزوں، اس تسلی دینے والے نے پھر ایک جملہ کہا، ایک فقرہ کہا، آقا آقا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا تو آپ کے خاندان کی روایت ہے، بس تڑپ گئے. کہا ہاں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا ہماری روایت ہے، مگر ماؤں کا، خوبیوں کا، بہنوں بیٹیوں کا بے رضا بازاروں سے گزرنا، زندانوں میں رہنا، یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج شب شہادت ہے، امام کے دل پر کیسا زخم تھا اور کتنی یاد تھی اپنے بابا کی. بس ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ گزارش کرنے کی آج تاب نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میرے بابا کے جسم پر زہر کا اثر ہو گیا، معلوم ہے نا امام کو زہر سے شہید کیا گیا، جب زہر کا اثر ہو گیا اور کوئی راہ چارہ و تدبیر باقی نہ رہی، ہم سب مایوس ہو گئے، ہم سب امام کے تخت کے قریب، سریر کے قریب، جس پر امام خواب استراحت میں تھے، قریب آ گئے، حلقہ بنا کے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا اور بابا نے کہا، بیٹا مجھے زمین پر لیٹا دو. گھر کے افراد نے کہا، بیٹے نے کہا، بابا جسم بہت کمزور ہے، بابا آقا آپ کو زمین پر نہیں لیٹنا چاہیے. ایک مرتبہ کہا، اب میرا آخری وقت ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے اب